हेलो एवरीवन, सी प्लस प्लस एसक्यूएल की सीरीज में आज हम लोग लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे। और लिंक्ड लिस्ट बाय डिफॉल्ट डबली लिंक्ड लिस्ट की तरह से इंप्लीमेंट होता है। और डबली लिंक्ड लिस्ट में आपको पता है कि दोनों एंड्स पे इंसर्शंस और दोनों एंड्स पे डिलीशंस आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी मच सिमिलर टू वट वी वर यूजिंग इन दी डबल एंडेड क्यू। सो लिस्ट को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको एक फंक्शन सॉरी एक हेडर फाइल इंक्लूड कराना होगा। लिस्ट एंड देन यहाँ पे हमने कहा आईओ स्ट्रीम देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के लिए हम यहाँ पे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंटीजर टाइप एंड देन उसके बाद हमने कहा एल। चाहिए तो लिस्ट आप कैरेक्टर टाइप का भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो लेट्स से हमने कैरेक्टर टाइप का लिस्ट प्रिपेयर किया और फिर हमने यहाँ पे कहा एल डॉट पुश अंडर स्कोर बैक। इसका मतलब है कि एंड में इंसर्शन होने जा रहा है। और लेट्स से हमने इसमें डेटा आइटम कहा ए। देन इसके बाद मान लीजिए कि अगर आपको इंजेक्शन और भी करना है तो आपने बहुत सारे फंक्शन कॉल्स कर लिए। आपने बैक में ए बी सी डी ई इंसर्ट कर लिया है। अब मान लीजिए कि आपको फ्रंट में इंजेक्शन करना है तो फ्रंट में इंजेक्शन करने के लिए आप लिखेंगे पुश फ्रंट। और पुश फ्रंट में लेट से आपने कह दिया एक्स। मान लीजिए कि फ्रंट में आप एक और आइटम इंसर्ट करना चाहते हैं, दो आइटम और इंसर्ट कर लीजिए लेट से एक्स वाई एंड जेड। देन इसके बाद जब आपको डिस्प्ले करना है तो आप फॉर लूप का यूज करेंगे और एक आइटरेटर ले लीजिए इसमें जो कि डिस्प्ले कराने पर काम करेगा। तो सी आउट आई और इसके डिस्प्ले के बाद एक स्पेस ले लीजिए। तो रन करके देखते हैं कि किस तरह से आइटम्स में डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यस यू कैन से दैट सी दैट जेड वाई एक्स ए बी सी डी ई। तो यही आइटम हमने अपने क्यू में अपने लिंक्ड लिस्ट में इंसर्ट किए। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आपने पुश बैक ए किया तो ए इंसर्ट हो गया, पुश बैक बी से यहाँ बी आ गया, सी एंड देन डी एंड देन ई, क्योंकि आपने 5 बार पुश बैक किया। पुश फ्रंट से आपने सबसे पहले एक्स इंसर्ट किया तो सी यहाँ एक्स इंसर्ट हो गया, फिर वाई पुश बैक किया, पुश फ्रंट किया एंड देन जेड पुश फ्रंट किया। तो आइटम डिस्प्ले आपके होने चाहिए थे जेड वाई एक्स ए बी सी डी ई। इसको हम एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। तो यस यू कैन सी दैट इट इज गेटिंग वेरीफाइड। एंड देन इसके बाद तो अगर आप इसमें डिलीशन करना चाहते हैं तो आप पॉप फ्रंट या पॉप बैक का यूज कर सकते हैं। तो लेट्स से हमने कहा यहाँ पे पॉप अंडरस्कोर फ्रंट। तो पॉप फ्रंट से पॉप फ्रंट वाला जो एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। तो आपके इस लिंक्ड लिस्ट से जेड आइटम डिलीट हो जाना चाहिए। तो यस यू कैन सी दैट कि वाई से स्टार्ट होता है इसका मतलब जेड आइटम डिलीट हो गया। सिमिलरली अगर आप परफॉर्म करेंगे पॉप बैक तो जो एंड वाला एलिमेंट है या जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। रन करके देखते हैं इसको। यस यू कैन सी दैट ई आइटम जो था सबसे लास्ट में वो डिलीट हो गया। इसके बाद आप अगर चाहें तो अपने लिंक्ड लिस्ट की साइज वगैरह डिस्प्ले कर सकते हैं। तो लेट्स से हमने यहाँ पे साइज डिस्प्ले करने के लिए एल डॉट साइज फंक्शन को कॉल किया। यू कैन सी कि साइज जो आपके लिंक्ड लिस्ट की है वो 6 है। एक एंडल लगा लीजिए जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से वेरीफाई कर पाए कि रिजल्ट सही है। सबसे पहले 6 आ रहा है साइज एंड देन उसके बाद फिर डेटा आइटम्स आ रहे हैं। एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराने के लिए आप बिगिन और एंड का यूज भी कर सकते हैं। जैसे ये तरीका तो हमारा एक हो गया एंड देन इसके बाद आप दूसरे तरीके से भी डिस्प्ले
डिस्प्ले करा सकते हैं, जिसमें आपने माना है कि आई इज इक्वल्स टू एल डॉट बिगिन एंड देन एंड आई प्लस प्लस। रन करके देखते हैं। ठीक, एक और तरीके से ट्राई करते हैं। सो जैसे आप लिस्ट यूज कर रहे हैं और आपको पता है कि इनिशियली आपको 5 एलिमेंट्स चाहिए या 5 नोड्स चाहिए अपने लिंक्ड लिस्ट में, जिसमें कि 100 एलिमेंट्स हो या 200 डेटा एलिमेंट, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे आपने लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट किया और ये इंटीजर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जिसको आप IL कह रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि इसमें 10 नोड का लिंक्ड लिस्ट हो और सभी में 50 50 हो, तो इसके बाद आप इसको डिस्प्ले करके देख लीजिए। यस यू कैन सी, सॉरी हमने एल डिस्प्ले किया है, मैं IL डिस्प्ले करना। बड़ी छोटी छोटी एरर्स हैं ये, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। ये देखिए कि इसमें 10 एलिमेंट डिस्प्ले हो रहे हैं जिसमें सभी में 50 50। तो आप और भी फंक्शंस ट्राई कर सकते हैं डब्ल्यू से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।